Chapter number twenty-six: The Lion and the Mouse. This is a famous story of lion and a rat, जो हमें सिखाती है that we should help others. हमें सबकी help करनी चाहिए. So let us read the story, children. One day, a lion slept in a jungle. तो एक दिन एक lion जंगल में सो रहा था. A tiny mouse ran into his big paw. तो एक tiny mouse आता है. वो वो उसके पैरों पे चढ़ जाता है। है। को बहुत गुस्सा आता है। वो सो रहा था था। और उसको उसने नींद से जगा दिया तो so ने बिल्कुल धीरे से उसको बोला कि प्लीज आई एम वेरी सॉरी मैंने आपको नींद से जगा दिया फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्लीज फॉर गिव मी आप मुझे मत खाओ यू वोक मी आप

You are too small to help me. You are too small to eat. The lion laughed. कहते तुम, तुम तो बहुत छोटे से हो. तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? और तुम तो इतने छोटे से हो. तुम्हें मैं खा के भी क्या करूंगा And the lion laughed. Thank you, the mouse said and ran away. तो माउस ने उसको थैंक्स किया एंड वो वहां से चला गया. A few days later, the mouse heard the lion roaring. She quickly ran towards the sound. Children, here you will write.

और काटने की वजह से लायन जो था वो फ्री हो गया द तो है मुझे तो कभी नहीं लगा था कि तुम इतने से होके मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दोगे thank you, the lion said. तो लायन उसको कहता है थैंक यू तो इसीलिए कभी भी हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए छोटे 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 क्रीचर भी देखो इतने बड़े शेर की उसने कैसे हेल्प करी है टेक द राइट द मैसेज ऑफ द स्टोरी तो इसका इसका मैसेज क्या है कि दैट वी शुड बी काइंड टू अदर्स हमें सबके ऊपर दया भावना रखनी चाहिए सबकी हेल्प करनी चाहिए सो so, इसमें से करेक्ट पार्ट क्या है करेक्ट पार्ट है बी काइंड टू अदर्स यू कांट हेल्प इफ यू आर स्मॉल तो ये तो गलत बात है क्योंकि वो छोटा सा था बट उसने लायन की फिर भी हेल्प करी थी लायन डजेंट लाइक द माइस तो लायन को माइस पसंद नहीं है ऐसा नहीं था लायन तो बस उससे इसलिए नाराज था क्योंकि उसने उसे नींद से उठा दिया था